एक शपथ आपने ली थी, अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। गेटअप से इस बार सबके दिलों तक पहुंचेगा जॉन का जलवा? क्या बॉलीवुड में किरदार से ज्यादा स्क्रीन पर अच्छा दिखना है जरूरी? कैसा होगा जॉन का आने वाला किरदार? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। इतना मारूंगा कि दर्द को भी समझ नहीं आएगा कि कौन से जख्म से बाहर निकलूं। रफ्तार तेज ना हो तो दुश्मन की चलाई गोली का काम आसान हो जाता है। जब अज्जू भाई मारने पे आता है तो जेंडर नहीं देखता है। ऐसे ही कई बेहतरीन फिल्मों के जबरदस्त डायलॉग से सबके होश उड़ाने के बाद बॉलीवुड के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम दिखने वाले हैं साल अपनी सीक्वल फिल्म सत्यमेव जयते 2 में। हमेशा भाईगिरी और कॉमेडी फिल्मों से अपने दर्शकों को हंसाने और कई खलनायकों की गर्दन मरोड़ने के बाद अब जॉन बन गए हैं नेताजी। जी हाँ, आने वाली फिल्म में जॉन एक नेता के रूप में नजर आने वाले हैं, पर ये नेता और नेता की तरह नहीं है। जॉन अपने नेता लुक में भी काफी डैशिंग नजर आ रहे हैं। आफ्टर ऑल जॉन है ही इतने हॉट कि उनको किसी भी गेटअप में डाल दो तो हॉटनेस तो उनसे मानो ऐसी चिपकी है जैसे गुड़ से मक्खी। और हमारे बॉलीवुड का अंदाज भी तो ऐसा है कि किरदार चाहे कैसा भी हो, हीरो का स्क्रीन पर जबरदस्त दिखना तो जरूरी है बॉस। अब रिसेंट में आई वेब सीरीज तांडव को ही देख लीजिए। सत्यमेव जयते की तरह ही एक सोशल मुद्दे से जुड़ी इस फिल्म ने आते ही तांडव मचा दिया था। वहीं सैफ अली खान ने अपने पॉलिटिशियन लुक से काफी हसीनाओं के दिल में भी तांडव मचा दिया होगा। और हीरो ही क्यों, बॉलीवुड की हसीनाओं को भी हर गेटअप में बोल्ड और सुंदर दिखाना भी कोई बॉलीवुड से सीखे। जिसका जीता जाता एग्जाम्पल कूली नंबर 1 में गरीब सारा अली खान का किरदार ही देख लीजिए। जैसे फिल्म वैसा फिल्म के किरदार का गेटअप। अब ऐसे में जॉन का ये किरदार भी सिल्वर स्क्रीन पर आग लगाने को है तैयार, क्योंकि एक्शन फिल्म हो और जॉन अपना जलवा दिखाने से पीछे हट जाए ये तो नामुमकिन है भाई। जैसे बॉलीवुड के भाई अपनी फिल्म ईद पे रिलीज करना नहीं भूलते, वैसे ही जॉन अपना एक्शन दिखाने से कभी पीछे नहीं हटते। तो देखते हैं अब आने वाली सत्यमेव जयते 2 में जॉन अब्राहम अपने इस नए लुक से कितना धमाल मचाते हैं सिनेमा घरों में। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जॉन का एक्शन से भरा अंदाज कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो।